हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पन्ना लिस्टेड एज यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर, राइट। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसको लिस्ट कर दिया गया है यूनेस्को बायोस्फीयर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर। वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू योर GS1 सिलेबस रिगार्डिंग ज्योग्राफी, राइट। विल डिस्कस इन डिटेल कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इनकी जोनेशन किस तरह से है, राइट। विल डिस्कस व्हाट इज यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है इस प्रोग्राम का, व्हेन वाज इट लॉन्च्ड। विल आल्सो डिस्कस अ फ्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ द कंट्री दैट हैव बीन लिस्टेड अंडर दिस प्रोग्राम। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। सो रिसेंटली यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ने पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड किया है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। फ्लोरा को अगर हम कंसीडर करें इस एरिया का, तो इट हैज़ ड्राई एंड शॉर्ट ग्रास हैबिटेट विद एक्सटेंसिव ओपन वुडलैंड्स एंड ट्री स्पीशीज ऑफ खेर विच डोमिनेट्स दिस ड्राई स्टीप स्लोप ऑफ प्लेट्यूज इन दिस पार्क। इट इज करेक्टराइज बाय फॉरेस्ट मार्शी वेजिटेशन विद अबंडेंस ऑफ रेयर मेडिसिनल प्लांट्स एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सच एज कथा गम एंड रेजिन। अगर हम फौना को एनिमल्स को कंसिडर करें इस एरिया की, तो वन इज टाइगर बिकॉज टाइगर इज द मेन स्पीशीज ऑफ दिस पन्ना टाइगर रिजर्व दैट इज इंक्लूडेड इन दिस पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। नेक्स्ट इज लियोपर्ड, नीलगाय, चिंकारा, चाउसिंगा, चीतल, रस्टेड स्पॉटेड कैट, सांभर, घड़ियाल। घड़ियाल जो हैं वो फाउंड किए जाते हैं केन रिवर के अंदर विच इज़ पासिंग थ्रू दिस टाइगर रिजर्व। सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ अ टाइगर हैबिटेट, इट इज़ अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया एंड होस्ट पन्ना टाइगर रिजर्व एज वेल एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। सो हेंस इट इज़ इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड प्रोग्राम। इसमें टाइगर रिजर्व भी है एज वेल एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इंक्लूडेड है विच इज़ खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज पन्ना टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज़ में बहुत टाइम से रहा है। फर्स्ट रीज़न बींग कि यहाँ पे एक टाइगर इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था विच हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल, राइट। इट हैज़ कम्प्लीटेड अ डिकेड मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स ऑफ कंजर्वेशन इन द वर्ल्ड। सो काफ़ी चर्चा में रहा है ये मॉडल। ऑल्सो जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये विंध्या माउंटेन्स में एग्जिस्ट करते हैं विच इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर ये आपका मध्य प्रदेश है तो जो अपर पार्ट है वहाँ पे विंध्या माउंटेन्स हैं और लोअर एरिया से सतपुरा पास होता है। हेयर इज़ पन्ना टाइगर रिजर्व और यहीं से पास करता है केन एंड बेतवा रिवर्स, राइट। केन एंड बेतवा रिवर्स। सो मध्य प्रदेश हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री। साथ ही साथ जो केन रिवर है इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ऑल्सो योर इट इज़ फेमस फॉर योर पन्ना डायमंड माइनिंग साइट। केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इन दोनों रिवर्स को इंटरलिंक किया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो बीच का एरिया है इट इज़ बुंदेलखंड विच इज़ रिलेटिवली ड्राई एरिया। यहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाने के लिए केन एंड बेतवा रिवर्स को इंटरलिंक किया जा रहा है। इट इज़ पार्ट ऑफ MP एंड UP स्टेट्स। तो ये जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ये टाइगर रिजर्व से पास हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इश्यूज़ हैं विद रिगार्ड्स टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द टाइगर रिजर्व, राइट। टाइगर्स की पॉपुलेशन को कुछ हार्म हो सकता है क्योंकि ये टाइगर रिजर्व से पास की जा रही हैं। नेक्स्ट इज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम विच इज़ लॉन्च इन द ईयर 1971 बाई यूनेस्को। इट वॉज टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस टू एनहेंस द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एंड पीपल के बीच में एक साइंटिफिक रिलेशनशिप के बेसिस पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो, दैट इज़ इन टू फोकस बाय दिस इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम यूनेस्को हैज़ एस्टैब्लिश वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर नॉमिनेटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज की, वो इन बायोस्फीयर रिजर्व को लिस्ट उनकी तैयार करती है, उनको नॉमिनेट करती है और इस लिस्ट में से सेलेक्ट किए जाते हैं यूनेस्को के द्वारा टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है। वेल दे आर द एरियाज ऑफ
टेरेस्ट्रियल, कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम, इन तीनों का मिक्स भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम का। द बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क वॉज लॉन्च इन 1971 बाई यूनेस्को, टू ईयर्स आफ्टर इनिशिएशन ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन द कंट्री। कैटेगरीज जनरली आर रिलेटिंग टू IUCN कैटेगरी 5th प्रोटेक्टेड एरियाज। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1979। देर आर 701 बायोस्फीयर रिजर्व अक्रॉस 124 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, विच ऑल्सो इंक्लूड 21 ट्रांसबाउंड्री साइट्स। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व के फंक्शंस क्या हैं। वेल, कुछ हार्मोनाइजिंग फंक्शंस का रोल प्ले करता है बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि फर्स्ट इज कंजर्वेशन फंक्शन। जेनेटिक रिसोर्सेज को, स्पीशीज, इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप्स को कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल फंक्शन। सो डेवलपमेंट रिलेटेड फंक्शन आर देयर, जैसे कि टू प्रमोट द सस्टेनेबल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स भी अलाउ किए जाते हैं ट्रांजिशनल एरिया में, वहाँ पे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलाउ किया जाता है, जैसे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन, राइट, सच एक्टिविटीज़ आर अलाउड। सो ये डेवलपमेंटल फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है मैन का रिलेशनशिप टू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक सपोर्ट फंक्शन, टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड एनालाइजिंग द इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो बफर एरिया है उस जोन में कुछ मॉनिटरिंग एंड रिसर्च पर्पसेज से रिलेटेड जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो इस्टेब्लिश करने की परमिशन दी जाती है और उनको रेगुलेट किया जाता है। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ अ जोनेशन सिस्टम। बीच में कोर एरिया देख सकते हैं आप, देन देर इज़ बफर एरिया, देन देर इज़ ट्रांजिशन एरिया, राइट। सो ट्रांजिशन एरिया में भी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल सेंटर्स हैं, साथ ही साथ रिसर्च ट्रांजिशनल एरिया में वी कैन सी ह्यूमन सेटलमेंट्स आर देयर, राइट। ट्रांजिशन एरिया में और बफर की आउटलाइन पे देयर इज ह्यूमन सेटलमेंट्स। देन बफर एरिया में देयर इज टूरिज्म एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पसेज आर देयर एट द बफर एरिया। और जो बिल्कुल कोर एरिया है वहाँ पर मॉनिटरिंग एंड रिसर्च इज अलाउड। सो अगर हम इन तीनों जोन्स को फिर से डिस्कस करें तो फर्स्ट इज एक हार्मोनाइजिंग एंड म्यूचुअली री इन्फोर्सिंग फंक्शन इस्टेब्लिश करता है ये। जो फर्स्ट कोर एरिया है आपका, इट इन्वॉल्व्स एंटायरली सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंडस्केप, इकोसिस्टम्स, स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशन। इनको कम्प्लीटली प्रिजर्व करने के लिए, कम्प्लीटली सिक्योर करने के लिए इस एरिया में वी हैव पुट इट इन टू कोर एरिया। देन वी हैव बफर एरिया जोन। It encompasses or adjoins the core area. It is utilized for activities compatible with sound ecological practices that can fortify scientific research, monitoring, training and education. ये सारे जो purposes हैं इनको fulfill करने के लिए we have buffer area, research, monitoring, training and educational purposes as well as with sound ecological practices. Third is transition area. ट्रांजिशन एरिया इज अ पार्ट ऑफ द रिजर्व जहाँ पे ग्रेटेस्ट एक्टिविटी अलाउ की जाती है। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो आपके ट्रांजिशन एरिया में अलाउ की जाती है, टू मेक श्योर दैट देर इज प्रमोशन टू इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट दैट इज सस्टेनेबल, जैसे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करना, राइट। नॉन टिम्बर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अलाउ किया जाता है इस ट्रांजिशनल एरिया में। देन देर इज 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया दैट आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इन द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो कि है नीलगिरी was the first one which was included in this program, right? Nilgiri is in Kerala. Kerala, Tamil Nadu and Karnataka ka ek tribe establish hota hai, wahan pe Nilgiri paya jata hai. Next is Gulf of Mannar which is in Tamil Nadu. Sundarban which is again a tiger reserve, right? It is established at West Bengal. Then Nanda Devi, it is at Uttarakhand. Then there is Nokrek, Panchmadi, Simlipal is in Odisha. Then there is Achnakarmak, Amarkantak, it is in again Madhya Pradesh. Great Nicobar, Agasthyamalaya, it is in Kerala. Then there is Kanchenjunga again in Sikkim. It was recently recognized in the year 2018, ye bhi kafi charcha mein raha hai. Then there is Panna Tiger Reserve jo ki recently add kiya gaya hai 2020 mein. So aapko Panna related question aa sakta hai ki yahan pe tiger
रिज़र्व है कि नहीं है, यहाँ से कौन सी दो रिवर्स हैं जिनका इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट, विच वॉट इज़ द काइंड ऑफ फौना एंड फ्लोरा ओवर इट. सो वी हैव ऑल डिस्कस दीज क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. और मेन्स में भी कुछ बायोस रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. सो आई होप दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डेप्थ. प्लीज़ फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.